जलंधर नाम के गांव में जीवन नाम का एक चोर रहता था। चोरी करना उसका आदत है, छोटे मोटे चोरी करता था। एक दिन, छी छी, ऐसे छोटे मोटे चोरी किया तो मैं कब बड़ा चोर बनूंगा? मारना है तो सिक्सर ही मारना चाहिए, ऐसा कोई बड़ा चोरी किया तो अच्छा रहता है, सोचकर उस गांव में एटीएम मशीन को चोरी किया। अरे अरे, ये एटीएम मशीन को तो मैंने आसानी से चुरा लिया है, लेकिन इसे किधर छिपाना है? इसे तो पुलिस कैसे भी ट्रेस कर लेते हैं, उनको नहीं मिलना है, ऐसे जगह छुपाना है। सोचकर उस एटीएम मशीन को ले जाकर पुलिस थाने में ही दफना दिया। तब अब मुझे पुलिस तो क्या, वो भगवान भी नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन से बढ़कर सुरक्षित जगह और कहीं नहीं मिलेगा, सोचकर उधर से चला गया। ऐसे कुछ दिनों के बाद उधर एक छोटे से पौधा निकला। वो पौधा ऐसे ही बढ़ते बढ़ते एक बड़ा सा पेड़ जैसा बन गया। उस पेड़ को पत्ते के जगह रुपए आने लगे। उसे देखकर सब लोग अजीब से बातें करने लगे। अरे, ये पेड़ तो मैजिकल पेड़ जैसा है, मैजिकल एटीएम जैसा है, नहीं तो पत्ते के जगह रुपए विकसित कैसे होंगे? ऐसे अजीब पेड़ को कभी भी नहीं देखे, कहकर उस पेड़ से रुपयों को सब लोग खींचने लगे। तब लोगों को पुलिस धकेलते हुए, अरे ये क्या रे, ये पेड़ आपका समझा है क्या? चलो निकल जाओ इधर से, ये हमारा पुलिस स्टेशन में उगाया हुआ पेड़ है, इसके रुपए हमारे हैं, आपका नहीं, चले जाओ इधर से, कहकर लोगों को भगा दिए। उस पेड़ से रुपयों को तोड़कर अपने आप में बांट लिए। ये सब दूर से देख रहा था जीवन। अरे, मुश्किल मेरा था और परिणाम उनका हो गया, ये ठीक नहीं है, अब मैं क्या करूं? ये मैजिकल ट्री एटीएम तो पुलिस को उपयोग हो रहा है। सोचकर उस रात को पुलिस स्टेशन में घुसकर उस पेड़ के रुपयों को तोड़कर एक बड़ा सा थैली में भर के ले जा रहा था, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। क्या रे जीवन, हमारे पुलिस स्टेशन में ही आकर हमारे ही पेड़ से हमारे पैसे चुराते हो, चोर कहीं का, तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, कहकर उसको पुलिस स्टेशन में डालकर खूब पीटने लगे। तब वो गुस्से से, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? उस पेड़ को तो मैंने ही उगाया था। क्यों रे, पागल की तरह बात करते हो, ये पेड़ को तुमने उगाया, कैसे? सर, कुछ साल पहले आपके एरिया में एक एटीएम का चोरी हुआ, याद है? हाँ, कैसे भूलेंगे, तो उस चोरी का तुमसे क्या लेना देना? अरे साहब, उस एटीएम चोरी मैंने ही किया था, उसे कहा छुपाना है कहकर आखिर आपका ही पुलिस स्टेशन के अंदर गड्ढा खोद के छुपाया, अब देखा तो वो मैजिकल पेड़ जैसा हो गया और रुपयों को विकसित करने लगी, अब उस पेड़ का हकदार तो मैं ही बनता हूं ना, कहकर बहस करने लगा। तब ऐसे को गुस्सा आया, क्यों रे चोर जीवन, तुमने गलती किया और ऊपर से उसके लिए हक भी पूछते हो, अरे ये तो उस पुराने एटीएम चोरी के बारे में हमारे सामने ही स्वीकार किया, पहले इसे उस केस में बुक करो और अंडर डाल दो, इस मैजिकल पेड़ से निकले हुए पैसों को केवल हमारे पुलिस में ही नहीं लोगों में भी बांटो, एक ही खाना मत, सबको खिलाओ, कहकर ऑर्डर दिया। तब वे पुलिस उस पेड़ से रुपए निकालकर गरीब लोगों को बांटने लगे। उसका नाम भूपति राव, वो बहुत स्वार्थी था, सबको पहले पैसे देकर ब्याज के ऊपर ब्याज डालता था और जो भरपाई नहीं कर पाते थे उनकी जमीनें हड़पता था। एक दिन संतोष के पिता नारायण उदास बैठा था। पापा, क्या हुआ, क्यों ऐसे बैठे हैं? वो भूपति ब्याज के ऊपर ब्याज लेकर हमारे पास से 5 लाख छीन लिया, अभी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। उसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुनी है पापा, उसको सबक सिखाना ही होगा, हमारा पैसा वापस लूंगा, आप निराश मत होइए, कहकर चला गया। उस दिन संतोष चौपाले के पास अपने दोस्त से, अरे हमें कैसे भी करके उस भूपति को सबक सिखाना होगा, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे। सही है, उसके वजह से हम सबको बहुत नुकसान हो रहा है, पर प्लान क्या है? तो उसने पूरा प्लान बताया। अगले दिन संतोष एक राजा का भेष डालकर एक भैंस को सोने का रंग लगाकर उसके ऊपर बैठ गया। उसके दोस्त सैनिक का भेष डालकर उसके पीछे पीछे जाने लगे। श्री 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 शिवाजी महाराज पधार रहे हैं, कहकर सैनिक गली गली घूम रहे थे, तो प्रजाओं ने उन्हें नमस्कार करना शुरू कर दिया। तब भूपति भी संतोष को देखकर, वाह क्या है ये ठाट,
क्या है ये वैभव? राजा मतलब ऐसा ही होना चाहिए, पूरे बदन में गहने, वाह वो सोने की भैंस लाजवाब है। किस्मत अच्छा है ये हमारे गांव में आ गए, सोचा। उस दिन भूपति राव अपने नौकर से, देखा ना जिंदगी मतलब वो है रे, वो सोना देखा, वैसा सोना मैंने कहीं नहीं देखा। वही मालिक हमारे गांव वाले सभी उसी राजा के बारे में ही बात कर रहे, और ज्यादा लोग उस सोने के भैंस के बारे में बात कर रहे, वो सोने की भैंस की वजह से ही वो राजा बने हैं, ऐसा वो कह रहे। सच में मुझे भी तो यही लग रहा था, मुझे कैसे भी करके उस राजा से मिलना होगा। भूपति राव संतोष के पास चौपाले पे, महाराजा नमस्कार, मेरा नाम भूपति राव है, इस गांव में नाम और संपत्ति किसी के पास है तो वो मेरे पास है, मैं आपके साथ दोस्ती करने के लिए आया हूँ। राजा से दोस्ती, विचित्र लग रहा है, वैसे भी तू मेरी दोस्ती के लिए आया, मुझे अच्छा लगा, ये लो तुम्हारा इनाम, कहकर सोने के भैंस के सींग इनाम में दिया। सोने के भैंस के सींग, वाह राजा, लगता है ये हमारी दोस्ती हमारे पिछले जन्म का किया धरा है, पर एक बात बिना पूछे नहीं रह पा रहा हूँ, ये सोने की भैंस आपको मिला कहाँ से? वो मुझे एक गांव वाले ने इनाम में दिया। कहाँ के गांव वाले ने? वो एक रहस्य है, अभी तुम जा सकते हो, कहकर संतोष वहां से चला गया। भूपति राव तब एक सैनिक से, अरे भाई महाराज के पास सोने की जो भैंस है कहाँ से आया है भाई? वो तो बहुत बड़ा रहस्य है, मैं क्यों बोलूं, मुझे क्या मिलेगा? ठीक है ये ले 100 रुपया देता हूँ। छी कंजूस कहीं का, उस सोने की भैंस का रहस्य बताने के लिए करोड़ों लगते हैं, तुम 100 रुपये दे रहे हो? ठीक है तो तुम्हें क्या चाहिए बोल। तो मुझे वो सोने के भैंस के सींग दे दो, मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, मैं तुम्हें उस गांव के बारे में बताऊंगा। मुझे भैंस ही मिल रही है तो इस सींग का क्या करूंगा, सोचकर वो सोने के सींग को दे दिया। देखिए जी ये सोने की भैंस खरीदने के लिए कम से कम 50 लाख होगा, पर तुम इतना खरीद सकते हो? 50 लाख डिस्काउंट कुछ नहीं मिलेगा? अरे उस सोने की भैंस पर राजा महाराजा ही बैठकर घूमते हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? तो क्या मैं भी राजा बन जाऊंगा? तुम्हें क्या करना है, वो सोने की भैंस खरीदो, तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। अगले दिन सैनिक और भूपति राव उस गांव में आ गए, जहाँ पर भी देखो सोने की भैंस ही दिखाई दे रहे थे। सोने की भैंस खेतों में हल चला रहे थे। ये क्या भाई, इस गांव में सभी के पास सोने की भैंस है? हाँ यही महाराजा का सीक्रेट गांव है, किसी को मालूम नहीं है ये। चलो चलो जाकर इस गांव के जमींदार से बात करते हैं, कहकर जमींदार के पास गए। अरे ये तो महाराजा के तरह दिख रहा है। उनके जैसे दिख रहे मतलब क्या है? ये सब महाराजा के ही भाई हैं, कहकर जमींदार से, जमींदार जी ये भूपति राव है। नमस्कार, क्यों कैसे आना हुआ भूपति राव? मैं एक सोने की भैंस खरीदना चाहता हूँ, माफ कीजिए सिर्फ महाराजाओं को ही मैं बेचता हूँ, पर मामूली लोगों को नहीं बेचता हूँ। ये क्या महाराजा, वो क्यों? वो कोई मामूली भैंस नहीं है, महिमा वाली भैंस है, उसके ऊपर कोई भी राजा सवारी करेगा तो उसको दुनिया में सबसे ज्यादा कीर्ति और प्रतिष्ठा मिलेगी, सोना जायदाद मिलेगी, इसलिए ये मामूली लोगों को नहीं बेचते। तो भूपति राव थोड़ा सोचकर, वही ना मुझे भी चाहिए, वो ये है कि मैं भी राजवंश का ही हूँ, मेरे पूर्वज भी बड़े बड़े राजा थे। बहुत अच्छा है भूपति राव, आप एक भैंस खरीद कर मुझे 50 लाख दीजिए और ले जाइए, पर आप अगर राजा नहीं हुए तो ये महिमा वाली भैंस की महिमा काम नहीं करेगी। तो भूपति राव मन में, अरे वो लुखे, वो भैंस एक बार मेरे बस में आ जाए तो मैं महाराजा बन जाऊंगा, सोचकर जमींदार को 50 लाख दे दिया। वो भैंस लेकर उसके ऊपर बैठकर घर निकला। भूपति भैंस पर बैठकर गांव में आने पर संतोष और उसके दोस्त सैनिक भैंस में आकर महाराजा भूपति राजा की जय कहने लगे, तो लोग सभी भूपति को नमस्कार करने लगे। तो भूपति मन में, आहा आज से मैं भी महाराजा हूँ, सोचा। अचानक जोर से बारिश गिरा तो भैंस का रंग उतर गया। तब ये क्या ये असली सोने की भैंस नहीं है, ये तो मामूली भैंस है, धोखा हुआ मेरे साथ, दगा किया मेरे साथ, वैसे
वो कौन से देश का राजा है? अरे रे, वो कौन से देश का राजा है? वो बिना जान के ही खरीद लिया। सोचकर भागते हुए वो उस गांव में गया। वहां पर जाके देखा तो वहां पर मामूली भैंसे थी। वहां पर एक ग्रामवासी को बुलाकर, साहब यहां पर एक जमींदार और सोने की भैंस थी, वो कहां गए? इस गांव का जमींदार मैं हूँ। सोने की भैंस वो क्या होती है? तू क्या पगला गया है? जा यहां से। पूरी बात समझ में आने पर भूपतिराव सर पकड़ के बैठ गया।